मित्रों, कोविड का जो लगभग 1.5 साल का ये कार्यकाल, उसमें इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नई कार्य समिति का जो गठन किया है उसकी आज पहली बैठक, और वो भी वर्चुअल मोड से हो रही है। कुछ हमारे जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं वो तो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन जो बाकी देश भर में जो जो कार्य समिति के लोग थे सब अपने अपनी राजधानी से और फिजिकल मोड में एक प्रकार से इसमें और इस वर्चुअल मोड से इसको अटेंड कर रहे हैं। कार्य समिति भी चल रही है। अभी तक जो सारी चर्चा चली है उसमें मुख्य रूप से एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने वो रखा था। कुछ लोगों ने उस पर चर्चा भी की और राष्ट्र अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत एक बड़ी प्रेज की गई है, और उसमें विपक्ष ने जो कुछ रोड़े अटकाए हैं बहुत सी योजनाओं में, बहुत सी स्कीमों में, उनके खिलाफ़ भी बात की गई है। और कुल चर्चा जो है उसमें अब आगामी जो हमारे प्रांतों के चुनाव हैं, जैसे हिमाचल है, जैसे उत्तराखंड है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गोवा है, इन प्रदेशों के चुनाव की चर्चा चल रही है, वो भी इस समय भी चल रही है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन होगा और लगभग 3 बजे तक ये बैठक चलेगी, और कुल मिलाकर के एक अच्छा प्रयोग सारे देश भर में ही हुआ है। सर, एक देश एक राशन कार्ड, रोजगार, इनको लेकर क्या चर्चा हुई, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी कहा कि इन सब विषयों पर चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए जो सारी स्कीमें जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में जिनको लागू किया है और जिनकी सफलता आंकड़ों सहित उसकी सफलता बताई गई है, और खास करके कोविड को लेकर के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया गया, 100 करोड़ से भी ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन के लग चुके हैं टीके, और सारी दुनिया में एक जो प्रयोग किया गया भारतवर्ष में, अपनी ही 2 वैक्सीन हम लोगों ने बनाई और उसको सारी दुनिया ने सराहा है, जो हमारी कार्य पद्धति है वैक्सीन की रही है, जिस प्रकार का टीम सेपरेट के नाते से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 21 बैठकें की हैं, और उन 21 बैठकों में लगातार यानी जिला लेवल तक भी रिव्यू करते रहे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत देशों की तो मानो आबादी से आबादी तो 100 करोड़ किसी और देश की नहीं है, चाइना को छोड़कर तो बहुत यानी देशों को, यूरोप को मिला करके भी जितनी उनकी आबादी है उससे 3 गुना जो है वैक्सीनेशन वो हुआ है। तो इस प्रकार से एक पूरी टीम देश भर में एक बड़ा अभियान, जो लोग ये कहते थे कि इस स्पीड से ये वैक्सीनेशन 2040 तक भी पूरा नहीं होगा, उनकी आंखें खुल गई कि एक ही वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष के अंदर ये सारा जो अभियान चलाया गया है उसमें वैक्सीनेशन का तो कम ही समय, लेकिन कोरोना की भी जिस प्रकार से हमने लड़ाई लड़ी है दोनों फेजेज में, दोनों वेव्स हैं, और उसके अंदर आज मैं कह सकता हूँ कि अब देश में एक वातावरण ठीक हो गया, और मुझे नहीं लगता कोई थर्ड वेव का भी कोई ऐसा प्रसंग आएगा। सर, हाल ही में जो उपचुनाव भी हुए हैं, क्या उनके जो परिणाम आए हैं उसको लेकर भी मंथन हुआ, जिस तरह से हरियाणा और हिमाचल में? हरियाणा के बारे में भी उन्होंने कहा कि हालांकि यहाँ किसान आंदोलन है, उसके बावजूद भी हमारे वोट जो हैं इतनी बड़ी संख्या में बढ़े हैं, जो पहले 45,000 वोट थे 69,000-70,000 वोट आए हैं, इसलिए हरियाणा की भी उसमें सराहना की गई इस नाते से, और बाकी प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इन सारी बातों के प्रकाश डाला। हालांकि इन चुनावों में इनेलो की जीत हुई, आईएनडी के कल जो उम्मीदवार है वो शपथ भी ले लेंगे विधायक पद की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से चुनाव। मेरा कहना है कि वो जीत गए, भले ही फॉर्मली वो जीते हैं, वो जीत करके भी हारे हुए हैं, हम हार करके भी जीते हुए हैं, हमारी वोटों की संख्या बढ़ी है और वो कुल मिला करके पीछे हटे, अपने अंतर जितना उनका था उसमें से कम अंतर उन्होंने लिया है, और आखिर चुनाव का गणित है, इस गणित में किसी की हार किसी की जीत होती है, लेकिन कुल मिला करके जनता पार्टी जेजेपी का जो हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता में उत्साह आया है कि हमने इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी यानी 69,000-69,000 वोट जो लिए हैं उससे कार्यकर्ता का उत्साह है, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है इनफॉर्मल एमएलए तो उसी को मानेगा। सर, एक बात करिए, महंगाई को लेकर बड़े फैसले लिए, पेट्रोल डीजल कम हो गए, कितनी राहत जनता को मिली है? जनता को बहुत राहत है, एनडीए की जो हमारी सरकारें हैं और उन्होंने 12 रुपये से लेकर 17 रुपये तक रेट कम किए हैं, कहीं 12 रुपये हुए, कहीं 14 रुपये, कहीं 16 रुपये, और इसमें केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अपनी कम की है, प्रदेशों ने भी अपना वैट की दरें कम करके, और आप लोग देखेंगे हरियाणा में डीजल और पेट्रोल आसपास के सब प्रदेशों से कम है, और बल्कि इसके कारण से हमारी जो सेल है वो भी कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 10% बढ़ी है। इस नाते से इन्होंने, पंजाब ने भी रेट अपने कम नहीं किए, राजस्थान ने भी कम नहीं किए,
यूपी ने किए हैं, यूपी शासित राज्य। हाँ हाँ, तो हमारे एनडीए सरकारों के जो रेट्स हैं वो सारे देश भर में अब कम हो गए हैं, और मुझे लगता है मजबूरन उनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसे पंजाब से विरोध खड़ा हुआ, बाकी प्रांतों में विरोध का जो स्वर है सुनाई दे रहा, और उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन पहल हमने की है और हम जो है एक सीमा से आगे इन रेट्स को बढ़ने नहीं देंगे। सर, एक और जिस तरह से विपक्षी नेता जो है रणदीप सुरजेवाला, वो इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने आंकड़ों का गेम खेला है, कहीं ना कहीं 1% जो वैट है वो बढ़ा दिया है। कहीं नहीं बढ़ाया, वो कैलकुलेशन करने में उनके कई आंखें चुंधिया गई हैं। पहली बात तो कि वो वैट नहीं कहते हैं, वो जीएसटी कहते हैं, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि वैट पेट्रोल और डीजल पर अभी जीएसटी नहीं है, अभी वैट ही है, और वैट जो है हमने दोनों चीज़ों पर घटाया है। अगर आंकड़े कहीं उनको ठीक से समझाने हों तो आपके माध्यम से मैं उनको आंकड़े सारे समझा सकता हूँ। हमने ये एक्ट तो पहले पास कर दिया था, कल उसका नोटिफिकेशन हो गया है, और अब जो है एक बात हमने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी मानी है कि 50,000 की जो रेट का जो स्लैब था उसको हमने 30,000 किया है, और 30,000 से नीचे के जितने भी ऐसे एम्प्लॉइज हैं उनको 75% की जो हमारी लिमिट है उसको उनको करना ही होगा। अगर उनको 75% हरियाणा में किसी एक जॉब के लिए नहीं मिलते हैं तब उनको छूट है कि बाहर के प्रदेश से भी पा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।